आज हम बना रहे हैं बाजरे के आटे की रोटी। ये जितने भी मिलेट्स होते हैं ना, ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं, और अगर हम इसकी रोटी खाते हैं सर्दियों में, खासकर बाजरे की, मक्के की रोटी हमें बहुत फायदा करती है, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारा फाइबर होता है और ये ग्लूटेन फ्री होते हैं। और अगर ये हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं तो हमारी बॉडी में इतनी ज्यादा फीलिंग आता है, जैसे हमारे को ऐसा लगता है जैसे हमारा पेट भर गया। बाजरे की आटे की रोटी खाएंगे तो 4-5 घंटे तक आपको भूख नहीं लगने वाली। अगर आप गेहूं की आटे की रोटी खाते हैं तो 2-2.5 घंटे में ही आपका पेट खाली हो जाता है। तो बाजरे के आटे को लेते हैं हम 2 चम्मच। अच्छा, एक बात और, इसके लिए मैं दूध का भिगोना यूज कर रही हूँ। इस भिगोने में मैंने दूध उबाला था और ये खाली भिगोना है। तो हम जब भी आटा लगाएं तो कोशिश करें दूध के खाली भिगोने में लगाएं। एक तो क्या होता है ना, इससे सारे दूध की मलाई इसमें आ जाती है और मलाई के साथ साथ हमारे ये यूज भी हो जाता है। तो मैंने इसमें 4 चम्मच बाजरे का आटा लिया है। अब हम इसमें डालेंगे नमक। इसमें थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, गर्मा गर्म पानी डाल रहे हैं, एकदम खौलता हुआ पानी है, तो इसको हम चम्मच से हिलाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और उसको हिलाते रहेंगे। ये देखिए, इस तरह हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है, इसको इस तरह मिलाते जाएंगे। अब इसको ढककर रख देंगे 2-4 मिनट के लिए। 2-4 मिनट हो गए हैं, अब ये थोड़ा सा ठंडा हो गया, हाथ लगाया जा रहा है, पानी थोड़ा ठंडा हो गया, तो अब इसको समेट कर इसको गूंद लेंगे। ये देखिए, इसको इस तरह से हमको गूंद लेना। दूध की मलाई से क्या होता है, आटा एक तो नरम हो जाता है और ये मलाई किसी भी तरह वैसे तो काम में आएगी नहीं। ये देखिए, भिगोना कितना साफ हो गया, देख रहे हैं आप, सारी की सारी मलाई यूज हो गई। तो ये ट्रिक है, जब भी आप आटा लगाएं तो दूध के खाली भिगोने में ही लगाएं। देखिए, बाजरे का आटा बनके तैयार हो गया, एकदम नरम आटा गूंदा है हमने। अब मैंने लिए हैं 2 प्लास्टिक की नॉर्मल थैलियां, जिसमें सब्जी लाते हैं ना, यही थैली आपको लेनी है। और आपको एक इसका पेड़ा बना लेना है। ये देखिए, मैंने इसका पेड़ा बना लिया। अब पेड़ा बना के इस थैली के ऊपर रखा और एक दूसरी ऐसे थैली ले ली, इसको पोंछ लेना है। ये बिल्कुल वैसी थैली है जिसमें हम सब्जी लाते हैं, प्लेन सब्जी की कोई सी भी थैली ले लीजिए और फिर उसको आराम से बेल लीजिए। कोई बच्चा भी इसको आसानी से बेल सकता है, बहुत ही आसानी से बेल जाता है, क्योंकि दोनों साइड थैली है ना, इसको घुमाना भी आसान है। आप देख लें मैं कितनी आसानी से इसको बेल रही हूँ, ये मजे से बेल गया। और ये देखिए कितनी बढ़िया रोटी बेल गई है। अब इसको हम हाथ से उठाएंगे और गरम तवे पर डाल दीजिए। और बढ़िया बाजरे की रोटी गोल गोल बनकर तैयार होगी। आप चाहे तो बिना थैली के भी बना सकते हैं, लेकिन मैं थैली से इसलिए बनाती हूँ क्योंकि मेरे घर में ना सब देखने के लिए आते हैं, मेरे हस्बैंड भी देखने के लिए आते हैं। ये देखिए, ये भी आए हुए हैं, और कभी जब मेरे को जरूरत पड़ती है ना तो मैं इनसे भी बनवा लेती हूँ। तो मैं इसको प्रेफर करती हूँ कि थैली से बनाऊं, सब लोग बड़े खुश होते हैं नई टेक्निक देखकर। और सबसे बड़ी बात, रोटी जरा सी भी नहीं फटती। देखिए ना कितनी पतली रोटी बनी है, और इतनी पतली रोटी वैसे नहीं बन सकती, मोटी बनती है बाजरे की रोटी। और सबसे बड़ी बात ये ना, ऐसे चिपक जाती है तवे पर, क्योंकि इसमें हमने सूखा आटा नहीं लगाया होता, तो इसका स्वाद ज्यादा आता है। सूखा आटा लगाने से वो स्वाद ना थोड़ा कड़वा हो जाता है रोटी का। अब इसको तवे को ना मैं ऐसे ही गैस पर उल्टा पलट देती हूँ। ये देखिए, ऐसे ही जैसे हम नान सेकते हैं, बिल्कुल इस तरह इसका सेकना है। स्वाद भी इसमें नान जैसा ही आएगा, इसका कलर भी नान जैसा आएगा, और सेकना भी बहुत आसान है। तो अगर आप इस तरह रोटी बनाएंगे तो आप बाजरे की नान बोलकर खिला सकते हैं अपने बच्चों को कि बाजरे की नान बनी है। बहुत खुश होकर खाते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत ज्यादा हेल्दी है एंड वेरी इजी टू मेक। अब देखिए ना, मेरे हस्बैंड ने बनानी भी शुरू कर दी। ये देखिए, मजे से बेल रहे हैं, तैली रख रहे हैं और खुद ही बनाएंगे। तो इसको कोई बच्चा भी बना सकता है, बहुत ज्यादा इजी है। आप हस्बैंड वाइफ किसी दिन मन है दोनों मिलकर बनाना चाहें बनाइए, बच्चों से बनवाना चाहें जिस दिन छुट्टी है, बच्चों को कुकिंग सिखानी है तो उसके लिए भी बहुत इजी है। तो मैं तो कोई भी मिलेट हो, बाजरा हो, ज्वार हो, इनकी रोटियां इसी तरह बनाती हूँ। मक्के की रोटी भी ऐसे बनाती हूँ, इनफैक्ट बहुत आसानी से मिल जाती है, कोई भी बना देता है। और शौक शौक में आकर बनाते हैं, सबसे बड़ी बात इनको मजा आता है बनाने में। देखो कैसी गोल गोल रोटी बनाई है, और हस्बैंड इज वेरी हैप्पी, सी कितने खुश हैं। और ये रोटी मेरी देखिए सिक कर तैयार है,
और दूसरी रोटी बिलकर तैयार है। तो ऐसे ही बातों बातों में, खेल खेल में बाजरे की रोटी बन रही है आपकी, और क्या चाहिए। ये देखिए क्या लालम लाल सिक रही है, लग रहा है ना नान बन रही है। आहा क्या रंग रूप आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। और ऐसे करते करते दो रोटियां तो बनके तैयार भी हो गई हैं। ये देखिए इसके बाद जब लास्ट में ना इसको थोड़ा सा खुरच के निकालना पड़ता है, क्योंकि ये रोटी चिपक जाती है। और इस तरह ये रोटियां सिकती जाएंगी। अब बनाते जाइए, इस तरह ये रोटियां बनती जाएंगी। अब मजे से बनाते जाइए। रंग देखिए कितना खूबसूरत आया, एकदम लाल रोटी का रंग आया है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि आप ढाबे वाले से बनवा कर लाए हैं रोटी, और वो भी बाजरे की। जबकि ढाबे वाला बनाकर नहीं देगा आपको बाजरे की रोटी, लेकिन घर में शायद आपका हस्बैंड आपको बनाकर खिला दे अगर आप लकी है तो किसी दिन। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका लगता है मुझे बाजरे की, मक्के की, ज्वार की रोटियां बनाने का। खेल खेल में ही काम हो जाता है और पेट भी भर जाता है। हेल्दी खाना खाना हो तो ऐसे ही खाना चाहिए। और हाँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलती रहे। सबसे अच्छी कौन सी वीडियो लगी ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए क्या करारी करारी रोटी सिकी है, मुंह में पानी आ रहा है ना आपके। तो कब बना रहे हैं, कब बाजरे की रोटी, ये जरूर बताइएगा मुझे, और मुझे जरूर याद करिएगा। ये देखिए अब इस पे डालिए गर्मा गर्म रोटी पर घी, गर्म गर्म रोटी पर थोड़ा सा घी डालिए। लेकिन बाजरे की रोटी पर घी लगाकर खाने का अलग ही मजा है। आप मलाई लगा सकते हैं, मक्खन लगा सकते हैं, जो भी आपको पसंद है वो लगाइए। और गरम गरम बाजरे की रोटी सरसों के साग और गाजर के अचार के साथ खाइए, और मुझे याद करिए। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में।